इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। हरियाणा में 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के उम्मीदवार बने। वहीं सिरसा से कुमारी शैलजा को टिकट मिला है। सोनीपत से मत्सतपाल ब्रह्मचारी, हिसार से जयप्रकाश को प्रत्याशी बनाया गया है, प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की 21वीं लिस्ट है, जिसमें हरियाणा की 8 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। हरियाणा की हिसार सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को टिकट मिला है। हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी छोड़कर पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। कुमारी शैलजा को भी टिकट मिला है, सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिला है। इस मामले में बीजेपी ने पहले ही लीड ले ली थी, अपने तमाम उम्मीदवारों के नाम सामने रख दिए थे, लिहाजा प्रचार के मामले में बीजेपी के उम्मीदवार कहीं आगे हैं। और अब ये सभी उम्मीदवार भी अपनी उम्मीदवारी के साथ जनता के बीच जाना शुरू कर देंगे। 25 मई हरियाणा में मतदान होने वाला है। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो सिरसा से शैलजा को टिकट मिला है, करनाल से बुद्धिराजा चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी छोड़कर गए ब्रजेंद्र को टिकट नहीं दिया गया। हरियाणा में कांग्रेस के 8 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। एक बार फिर से आपके सामने रख देते हैं, बता देते हैं, कुमारी शैलजा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं, केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, उन्हें सिरसा से टिकट है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, सांसद, उनको रोहतक से टिकट दिया गया है। वरुण चौधरी को अंबाला से टिकट मिला है। जयप्रकाश को हिसार से दिया गया है। दिव्यांशु बुद्धिराजा करनाल से टिकट मिला है। सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत, रावदान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ और महेंद्र प्रताप को फरीदाबाद लोकसभा सीट से टिकट दे दिया गया है। दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है और दिलचस्प बात यह है कि कई ऐसे उम्मीदवार जिनके कयास लगाए जा रहे थे उनके टिकट कट गए। जी बिल्कुल, अगर बात करें हरियाणा में 10 लोकसभा में से 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारने थे और एक सीट पे आम आदमी पार्टी, जिसका ऐलान हो चुका है सुशील गुप्ता। 9 सीटों पर भी बात करें तो 8 सीटों पर कांग्रेस, लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो चाहे हिसार से बात करें तो जयप्रकाश को जहाँ पर जो है मौका दिया गया, हालांकि ब्रजेंद्र सिंह मौजूदा जो सांसद थे भाजपा के, वो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और उसका नाम माना जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जयप्रकाश को मौका दिया गया है। दीपेंद्र हुड्डा जो कि राज्यसभा के सांसद है, पूर्व में यहाँ से रोहतक से सांसद रहे हैं, उन्हें रोहतक लोकसभा से मौका दिया गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी अब से पहले चुनाव लड़ती रही है, लेकिन उनकी जगह इस बार रावदान सिंह को मौका दिया गया है। करनाल की बात करें जहां से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके सामने कांग्रेस ने दीवांशु बुद्धिराजा एक युवा चेहरे को मौका दिया है। तो 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। हालांकि अभी एक सीट बाकी है गुरुग्राम की, जहां से कैप्टन अजय यादव और राज बब्बर, दो नामों पर चर्चा, और राज बब्बर का नाम काफी आगे माना जा रहा था, लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन अंतिम मोहर अभी लगना बाकी है, क्योंकि ये कैप्टन अजय यादव ने कल ही राहुल गांधी से मुलाकात करी थी, बाकायदा कार्यक्रम के दौरान स्लिप दी थी मौके को लेकर के। तो ऐसे में उस गुरुग्राम को अभी होल्ड किया गया है जहां राज बब्बर का नाम तय माना जा रहा था। बाकी 8 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। यह अजब बात है दीपक, आगरा से सांसद रहे राज बब्बर का नाम अगर गुड़गांव सीट के लिए कांग्रेस सोच रही है तो एक अलग समीकरण यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह को तो ऐसा लगता है ना माया मिली ना राम। जी बिल्कुल, ब्रजेंद्र सिंह जो कि भाजपा के सिटिंग एमपी थे और बकायदा बीजेपी में भी पैनल में उनका नाम था और सबसे ऊपर उनका नाम था, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह के पिता की भी बात करें, बीरेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के ही अगर बात करें कद्दावर नेता और केंद्र सरकार में मंत्री रहे वीरेंद्र सिंह, उनकी माता प्रेमलता जो विधायक थी बीजेपी की, ये सभी लोग बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आए और ये दावा भी कर रहे थे कि हिसार से इनको उम्मीदवारी दी जाएगी। मौजूदा सांसद थे लेकिन यहाँ पर पैनल में नाम की वो बात कर रहे थे यहाँ पर उम्मीदवार नहीं कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने किसी और को उम्मीदवार बनाया है। तो ब्रजेंद्र सिंह, बिल्कुल दीपक, ब्रजेंद्र सिंह के अलावा एक और चेहरा सुर्खियों में था, वो है श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ से, उनका भी टिकट कट गया है।
जी बिल्कुल, भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती और कांग्रेस की कद्दावर नेता किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी, जो कि 2009 में अगर बात करें यहाँ से सांसद भी थी, उसके बाद हालांकि लोकसभा का चुनाव हारी है और इस बार भी उनका टिकट माना जा रहा था, लेकिन राव दान सिंह जो है उनको वहां पर मौका मिला है। अहिरवाल के क्षेत्र से आते राव दान सिंह, किरण चौधरी लगातार पार्टी के नेताओं के संपर्क में थी, लेकिन यहाँ पर इस बार नया एक नाम रखा गया है क्योंकि 2014 और 19 में कांग्रेस को वहां से हार का सामना करना पड़ा था श्रुति चौधरी को, तो इस बार बंसीलाल परिवार की जगह राव दान सिंह को। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दीपक फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।